राहुल, केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया, लेकिन विपक्ष इस कदम का स्वागत नहीं कर रही है, बल्कि अभी भी सवाल उठा रही है सरकार की मंशा पर, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ बैठक के दौरान एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी, लेकिन तब भी जो राज्य सरकारें थी इस पर कोई कदम नहीं उठा पाई थी, लेकिन अब राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ गया है। जरूर देखिए, हिंदुस्तान में या किसी भी देश में जो ईंधन की कीमतें होती हैं वो राजनीति का विषय ज्यादा बड़ा होती है, क्योंकि ईंधन जो है वो जिंदगियों का चलाता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट हुआ करता है। डायरेक्ट इंपैक्ट रोज सवेरे या शाम को जब कोई अपनी गाड़ी में ईंधन डलवाता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर या किसी में, तो उस बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर पड़ता है। दूसरा, खेतों से घरों तक पहुंचने वाली खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा माल और फैक्ट्रियों में जाने वाला कच्चा माल, रेलगाड़ी, बस, ट्रक या तमाम चीजों से लोगों के घर तक पहुंचता है या फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, उसका असर पड़ता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से की कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड पे असर पड़ता है, डिमांड कम होती है तो जीडीपी और इन सब चीजों पे असर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि ईंधन जो है वो पिछले कुछ महीनों से उसकी बढ़ी हुई कीमतें बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे असर डाल रहा था और विपक्ष के हौसले बढ़े हुए थे। नवंबर के महीने में जब पिछले साल केंद्र सरकार ने 10 और 5 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करी, उस समय पे करीब 25 राज्यों ने और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज ने कीमतें कम की, इसमें बीजेपी शासित, बीजेपी के सहयोगी शासित यूनियन टेरिटरीज और उड़ीसा जैसे कुछ राज्य थे, लेकिन 7 राज्य ऐसे थे जिन्होंने उसके बावजूद भी कोई ऐसा कट अनाउंस नहीं किया था। और अगर आंकड़े देखें तो अप्रैल की आखिर तक करीब इस बढ़े हुए रेट, यानी जब केंद्र ने एक्साइज कम कर दी और उन्होंने अपने वैट को हाई रखा, तो 12,000 करोड़ की उनको कमाई हुई थी। और यही कारण है, देखिए राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इतनी ज्यादा फ्रीबीज, जिसे कहते हैं जनता को सीधे बेनिफिट देने वाली स्कीम चला दी है, कि राज्य सरकारों के और केंद्र के पास मार्जिन नहीं बचा है कि वो किसी तरह की कीमतें कम करें और जनता को रिलीफ पहुंचाएं। इस बार भी केंद्र ने जब रिलीफ पहुंचाया है जिसका 9.5 और 7 रुपए करीब असर पड़ेगा, 1,00,000 करोड़ का नुकसान होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि उसने अपने सेस में कमी करी है। लेकिन ये तूतू मैमे जो है जी, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की, देखिए ये सिर्फ पॉलिटिकल तूतू मैमे है, ये एक दूसरे पे ब्लेम डालना चाहते हैं, क्योंकि सालों से प्रपोजल है कि आप उसको जीएसटी में ले आइए, 28% तक की हद होगी। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और ऐसे वगैरह, जहां 50% से ज्यादा टैक्स है पेट्रोल के 1 लीटर पे, वो 28 पे अगर आ जाता है पूरे देश में यूनिफॉर्म प्राइस होगी और ट्रांसपोर्ट का थोड़ा वेरिएशन होगा और आम जनता को रिलीफ मिलेगा। लेकिन चूंकि पेट्रोल और डीजल से उगाही होती है, अच्छा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं है। आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने यकीनन ये एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन जैसा कि अभी आप हमें जानकारी दे रहे थे कि एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पर सरकार को झेलना पड़ेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और किन किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आम जनता इससे अछूती रहे। बिल्कुल, बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए ये बात जरूर समझनी चाहिए कि कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल, एक साल में जब से कीमतें बढ़ा, एक्साइज बढ़ा करके 26 लाख या 29 लाख करोड़ रुपया कमाया, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब से कोविड की शुरुआत हुई और सरकार ने अन्न देना शुरू करा, करीब 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज की जो योजना चली, वो योजना में अभी तक करीब 4 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पैसा जा रहा है अन्न योजना में, किसानों के लिए एक किसान सम्मान योजना चल रही है, हर घर नल योजना चल रही है, आयुष्मान भारत चल रहा है, ऐसी तमाम वेलफेयर की स्कीम्स में अगर आप केंद्र सरकार के आंकड़े देखें तो करीब पिछले कुछ सालों में करीब 40-45 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तो इन सब का पैसा आएगा कहां से? देखिए परेशानी का सबब यह है केंद्र के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी कि भारत में अभी भी 2-3 परेशानियां हैं जहां तक सरकार का राजस्व है। एक, यहां पर टैक्स देने वाले बहुत कम है। दूसरा, यहां डायरेक्ट टैक्स देने वाले बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्स की बहुत बड़ी चोरी होती है। और उसके अलावा अभी भी भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग जरूरतमंद हैं, किसानों को हैंड होल्डिंग यानी मदद की जरूरत है। ऐसे परिपेक्ष में केंद्र और राज्य सरकारों की मजबूरियां भी हैं और उनकी राजनीतिक आशय भी है। देखिए राजनीतिक आशय क्या है,
कि अगर मैं किसी को किसी योजना के तहत कहता हूं कि आप इसमें जाकर के बिजनेस लगाइए और उसमें कमाइए और आगे जाके खाइए, उसमें टाइम लगता है। सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल वेट नहीं करती हैं, उनको जरूरत होती है कि इंस्टेंट मिले, यानी आज कुछ दें जिससे आकर के अगले महीने अगले साल हमको वोट मिल जाए। ये जो वोट की दरकार है, इसके कारण बीबीटी और फ्रीबीज, कहीं कहीं फ्री मिक्सी मिलती है, कहीं आपको फ्री टेलीविजन, कहीं लैपटॉप फ्री बट रहे हैं, तो कहीं दिल्ली में जैसे डीटीसी बस के टिकट फ्री बट रहे हैं। इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है कि राज्य और केंद्र सरकार की कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बहुत कम होती है। अगर आप देखें कि दिल्ली में पानी की अभी कुछ दिनों पहले किल्लत हुई, कुछ इलाकों में पानी की बहुत कमी थी, वो क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए नहीं कि यमुना में पानी सूख गया, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में करीब 600 वाटर बॉडीज हैं पुरानी, उनको ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा था कुछ साल पहले कि उनको साफ करके ठीक करें, लेकिन सरकारों के पास पैसा नहीं है। कोविड जब आया अप्रैल में 2021 में और मात्राही मची, तो दिल्ली के अंदर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 17 वेंटिलेटर थे, उसको बाद में बढ़ाया गया पीएम केयर्स के जरिए। लेकिन असली बात यह है कि जब आप फ्रीबीज देते हैं, पेट्रोल जैसी तमाम चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ी करते, तो आम जनता को लॉन्ग टर्म में बहुत असर पड़ता है। और दूसरा, अगर आप ये हाई टैक्सेस की बात करें, हाई टैक्सेस कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। देखिए, इससे क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि हमें हर चीज सस्ती चाहिए, लेकिन एक मिल मालिक जिसको कोयला महंगा हो गया, बिजली महंगी हो रही है, जिसके लिए कर ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उसको पेट्रोल और डीजल अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए भी महंगा मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्ट महंगी होगी, इन्फ्लेशन बाजार में आएगा, किसान का माल महंगा होगा। कुल मिलाकर के अगर हमें फ्रीबी से जेब में 1,000 रुपया मिल रहा है, तो 2,000 रुपया महंगाई के जरिए निकल जाएगा। एक तरह से समाज के किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी दूसरे का नुकसान होगा और असर उसकी जेब पर ही पड़ेगा। तो एक तरीके से आप यही समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि ये चेन है, चेन इफेक्ट है, कि अगर एक जगह पर दबाव पड़ेगा, जैसे कि आपने अभी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो वो पैसा तो आपकी जेब से ही निकलेगा। जी देखिए, इकोनॉमी एक ऐसे ट्रैप में फंस गई है हिंदुस्तान के बाहर, विदेशों में भी यही हो रहा है कई जगह, और ये कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले की बात यह है कि एक ऐसे ट्रैप में आ गए हैं कि लोग अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, डिमांड कम पड़ी हुई है, लोग संशय में हैं कि आने वाला भविष्य मेरा कैसे होगा, और उसमें हाई टैक्सेस भी एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि अगर मेरा आज बहुत टैक्स कट रहा है या मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत टैक्स दे रहा हूं, तो मुझे कल के लिए मेरी बचत शायद इतनी सुनिश्चित ना कर पाऊं कि मेरे लिए भविष्य सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके। तो क्या होता है कि आदमी पैसे पे बैठता है। डिमांड की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सरकार ने आज खत्म करने की काफी कोशिश करी। देखिए, अगर आप तमाम पीएलआई स्कीम और तमाम स्कीमें देखें, तो पिछले साल भी कोविड के दौरान यहां तक कह दिया गया कि अगर आप जो अपने एलटीसी पे पैसा खर्च करेंगे या दिवाली का कोई गिफ्ट लेंगे, उसमें आपको टैक्स माफ हो जाएगा। यानी इस तरह की चीजें भी लॉन्च की गई सरकार के द्वारा डिमांड के लिए। लेकिन परेशानी अब देखिए, जब मेरा एक फिक्स्ड आमदनी के आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, और चूंकि इस देश में ज्यादातर लोग जो टैक्स वगैरह के ब्रैकेट में आते हैं वो 25-30 हजार रुपए की 80% से ज्यादा लोग उसमें, और ये 1% जो ऊपर है उनके लिए, मान लीजिए उनका पेट्रोल का और डीजल का बिल जब बढ़ जाता है तो वो कटौती करते हैं अपनी बाकी खरीद पे। जब बाकी खरीद में कटौती होती है तो जो मैन्युफैक्चर है वो देखता है कि साहब मेरा माल शायद बिक ना पाए, क्योंकि मेरा माल पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों तो एक तो महंगा हो रहा है और दूसरा जनता खरीदनी कम कर रही है। ऐसे में क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कम करता है तो रोजगार भी कम देना कर देता है, क्योंकि जब उसको फायदा और मुनाफा और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मुझे थोड़ा सा एम्प्लॉय कम कर देने चाहिए, तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो सोचिए इस सब का कितना कैस्केडिंग इंपैक्ट है, और इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे कि आरबीआई ने अभी एक मिड साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करके, अभी तक आरबीआई ग्रोथ पे फोकस कर रहा था, रेपो रेट को कम रख रहा था, लेकिन उसको बढ़ाया जिससे मुद्रा स्फीति की दर जो है उसको नीचे लाया जा सके और इकोनॉमी में जो पॉजिटिविटी है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। जी, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा शायद कि सबसे ज्यादा बोझ
मिडिल क्लास पर पड़ता है, और ये जो फायदा जिस तरह का कदम केंद्र सरकार ने कल उठाया है उसका भी कुछ खास फायदा शायद मिडिल क्लास को नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस छूट के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लेते हुए एक्साइज में तो कमी की है, लेकिन गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो केवल उज्ज्वला योजना पर 200 रुपए सब्सिडी दी गई है, जबकि नॉर्मल सिलेंडर पर कोई छूट नहीं है। घरेलू सिलेंडर पर भी छूट दी जाती तो शायद बेहतर होता और मिडिल क्लास को भी इससे फायदा पहुंचता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए सरकार के पास इतना अभी फाइनेंशियल एल्बो रूम जिसे कहते हैं, इतनी जगह नहीं है वित्तीय रूप से कि वो ऐसा बड़ा बेनिफिट दे पाए, क्योंकि जो सब्सिडी एलपीजी पे है वो काफी मात्रा में है और ये बंद की गई थी कोविड के दौरान और तब से ये बंद ही चली आ रही है। परेशानी सरकार की यह है कि पेट्रोल और डीजल ऐसी कमोडिटी है जिसमें पॉलिटिकल धुआं ज्यादा उठ रहा था या पॉलिटिकल आग तेज हो रही थी और पूरा उसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग डिमांड एम्प्लॉयमेंट और तमाम चीजों पे। सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की है। दूसरा बेनिफिट रॉ मटेरियल्स के दाम जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ऐसे देश हैं जहां से मेटल फर्टिलाइजर केमिकल्स तमाम खाद्यान्न चीजें वहां से आती हैं, और कहीं सरकार ने कोशिश की है कि वहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करके मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन सरकार ये कोशिश नहीं कर पाई है कि आम आदमी जो है उसको एलपीजी पे किसी तरह की रिबेट दे दे जैसे कि पुरानी सब्सिडी मिलती थी। उसका कारण ये पूरे एलपीजी यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि जो उज्ज्वला योजना जिनको 200 रुपए का हर महीना 12 सिलेंडर यानी पूरे साल का दिया गया है वो सिर्फ 9 करोड़ है। ये वो वर्ग है जो कि बढ़ी हुई डीजल एलपीजी की कीमतों के कारण सिलेंडर खरीद ही नहीं पा रहा था। देखिए सरकार की एक योजना है जिसको सरकार को ऐसा कुछ करते रहना चाहिए पड़ता है कि वो चलती रहे, वरना आप ये समझिए कि 1000 रुपए से ऊपर का जब सिलेंडर गया था ये बात तयशुदा थी कि जो लोग उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी हैं यानी गरीब लोग हैं जिनको ये योजना में लाभ मिला था वो नया सिलेंडर नहीं खरीद सकते थे। तो सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है कि वो वर्ग कम से कम दोबारा उसको एक इंडिकेशन मिल जाए कि एटलीस्ट उसमें से कुछ लोग सिलेंडर खरीदने लगे, यानी उनकी योजना पूरी तरह ध्वस्त ना हो। और दूसरा देखिए इसमें पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पहलू जरूर होता है कि मैंने एक स्कीम चलाई वो मैं कहता हूं कि मैं प्रो पुअर हूं और अगर वो बैठ गई तो मेरे को पॉलिटिकल परेशानी जितना सबब बनेगा, इसलिए सरकार ने एक पॉलिटिकल भी कदम उठाया।